कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव हैं। शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल समेत आला अधिकारी शामिल हुए हैं। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। 6 घंटे तक ये बैठक चली है और इससे पहले भी एक ऐसी बैठक हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 2 हिस्सों में ये बैठक थी, लेकिन क्या चाहती है केंद्र सरकार, ये सवाल लगातार बना हुआ है। तो एक बार फिर से बिग वॉल पर आपको उन ग्राफिक्स जरिए दिखाते हैं, फिर अनिला जी आपके पास आऊंगा, बताता हूँ कि इन मीटिंग्स में क्या कुछ हुआ है और क्या क्या सरकार के मन में है, जो सूत्र बता रहे हैं, सरकार क्या संकेत दे रही है। DDC चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़े, ये सरकार चाहती है। विधानसभा चुनाव में सूबे के बड़े दलों की भागीदारी हो, और देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को काट के विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक मतलब सबकी राय जानी जा रही है। परिसीमन को लेकर हो रहे विवाद को सुलझाने की बात है, ताकि ये एकदम बिल्कुल गैर कोई इसमें विवाद ना हो और इस सही तरीके से आगे बढ़े। विकास कार्यों को और रफ्तार दी जाए, 370 हटाने के बाद कई सारे रोड़े हटे हैं, लेकिन और रफ्तार दी जाए। लेकिन अनिला जी, आप सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, आप सबसे बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि ये जो कश्मीर की जो ये पार्टियां हैं, जो अक्सर चाहे वो PDP हो या NC हो, ये केंद्र सरकार को हमेशा निशाने पर लेते रहते हैं, आपके इस मिशन में आपके साथ होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे ना। जिस प्रकार की इनकी फितरत रही है, फरूख अब्दुल्ला जो है वो कश्मीर का साथ चाहते हैं, वो पाकिस्तान का साथ चाहते हैं, और जिस प्रकार मैं नहीं बोल रही, उनके स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि जो कश्मीर है वो चाइना का साथ जाना ज्यादा पसंद करेगा, भारत के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और POK की बात करते हैं तो फरूख अब्दुल्ला ने कहा नहीं था कि भाई POK पे भारत का हक कैसे रह सकता है। तो ऐसे लोग जिनका घर खानदान हमेशा जो यहाँ का हार्ड अर्न मनी है टैक्स पेयर्स का, जो तो फिर ये प्रोसेस कैसे बढ़ेगा? तो अगर कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ नहीं आएंगी, टेबल पे बातचीत होगी लेकिन वो दिल से आपके साथ नहीं होंगी, तो फिर कैसे प्रोसेस बढ़ेगा ये? नहीं नहीं, मैं बता तो रही हूँ ना, आए ना, DDC के चुनाव हुए ना, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए कि नहीं हुए, और 370 हटा कि नहीं हटा, हमें पता है 370 है चाहे 35 है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो पूरा रीजन था लद्दाख, जम्मू कश्मीर पूरा जो एरिया था इस प्रकार से एक बैकवर्ड एरिया हो गया था, जबकि इतना ज्यादा पैसा वहां पे इंजेक्ट होता था, उसके बाद भी वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट केवल और केवल इनके खातों का हो रहा था। इनके बच्चे जो है विलायतों में जाके पढ़ाई लिखाई करें, ये बेस्ट ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये हम वहां पे लीड करते थे, और आम कश्मीरी किस प्रकार की जिंदगी वहां पे जी रहा था? ठीक है, इन लोगों को क्यों अच्छा लगेगा जब वहां का कश्मीरी आगे बढ़ेगा? मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रही हैं कि अगर ये इस प्रोसेस में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो टिपिकल पॉलिटिक्स है उस पर ये एक बड़ी चोट हो जाएगी। मैं आता हूँ आपके पास अमोद राय और दिल्ली से, और श्रीनगर से इरफान हैं, तो दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक क्या सोचे जानते हैं। पहले श्रीनगर चलते हैं इरफान के पास। इरफान, देखिए कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों की बात हो रही है, खासकर अगर बात करें गुपकार डिक्लेरेशन की, तो गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से क्या इस रिएक्शन मिल रहा है? किसी ने कहा कि उनको फोन आया, कोई कह रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, हाँ ठीक है हम बात करेंगे? देखिए, सूत्रों से यह कंफर्म हुआ कि महबूबा मुफ्ती को होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इंटीमेशन आया है कि आपने दिल्ली आना है। और इससे पहले, जिस तरह पहले मैंने गौरव कहा कि कई बैक चैनल्स के जरिए इन नेताओं के साथ पहले वार्तालाप किया गया, उसके बाद फारूख अब्दुल्ला महबूबा के निवास पर गए, वहां बातचीत हुई, और जो गुपकार डिक्लेरेशन के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, यूसुफ तारीगामी यानी CPIM के नेता भी है वो, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर हमें केंद्र बातचीत के लिए बुलाता है तो हम जरूर जाएंगे, हम बातचीत के मुखालिफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं PAGD भी, और जो ये डीलिमिटेशन हो रहा है इरफान, इसको लेकर क्या रिएक्शन है? वो भी बदल रहे हैं, जो ये डीलिमिटेशन प्रोसेस फिर से आगे बढ़ने की बात है, इसको लेकर वो संतुष्ट हैं? देखिए, कहीं ना कहीं PAGD के नेताओं का ये मानना है कि बातचीत से ही तमाम चीजों का हल है और बातचीत के बगैर किसी मुद्दे का हल नहीं निकल सकता, लेकिन इस बीच डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो इसलिए भी कश्मीर घाटी के लिए सेंसिटिव बन रहा है, क्योंकि जिस तरह इस तरह की बातें आ रही कि करीबन 6 से 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ सकती है जम्मू कश्मीर में, और वहां जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक जब इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑन ग्राउंड, तो वहां पर इन तमाम नेताओं को खदशे लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच जो अंतर था, जिससे कि जो चीफ मिनिस्टर लगातार कश्मीर घाटी से चुनकर आता था, वो शायद खत्म होगा। और मतलब साथ ही साथ कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी की स्थिति देखें इरफान, तो 37 जम्मू, 46 कश्मीर, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इन नेताओं को ये डर है कि ये अंतर खत्म हो जाए, बराबर बराबर हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए जब 7 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ेंगी तो ये जो आंकड़े हैं कुल मिलाकर सीट्स का 90 पहुंच जाएगा पीओकी की सीट्स को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक गहरा मुद्दा इन तमाम नेताओं के लिए है। और साथ ही साथ जो लोगों के बीच इनको दोबारा जाना है चुनाव के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेटहुड इनके लिए एक मुख्य मुद्दा रहेगा। ये डर है इन नेताओं में कहीं ना कहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।